300 से 350 सीढ़ियां हैं। तुम्हें भी जाना था लोअर फोर्ट की तरफ, यहाँ पे मुझे थर्ड वाटरफॉल दिखा। देखो ये है, ये और सामने बहुत ज्यादा घाट है, दिखा रहा है देखो। एक्चुअली मैं राइडिंग के इससे आया नहीं था पुणे, मैं सिर्फ रक्षाबंधन सेलिब्रेशन के लिए आया था। ये जो था मेरा टूर ये वक्त पे बना, तो आए हैं तो कुछ ना कुछ करके जाते हैं, एक दो ब्लॉग तो ही बन जाएंगे मेरे, तो इसलिए मैं राइडिंग गियर्स कुछ भी नहीं लेके आया हूँ, सिर्फ मैं शूज और ये बालाक्लावा लेके आया हूँ, तो उस वजह से मैं मोटो ब्लॉग भी नहीं कर सकता हूँ। हेलो दोस्तों, तो मेरा भाजी की वो घूमना हो गया पूरा। मैं अभी जा रहा था लोहगढ़ फोर्ट की तरफ, मुझे लगी भूख तो मुझे यहाँ अच्छी बहुत अच्छी जगह मिली, तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ। इधर है बाइक खड़ी करिए, और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है विसापुर फोर्ट, पर वहाँ बहुत हार्ड ट्रेकिंग है, तो वो करने के लिए स्पेशल एक दिन चाहिए, तो इसलिए वहाँ पे अलग प्लानिंग से आना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लोहगढ़ फोर्ट भी देखूंगा, चढ़ाई बहुत है वहाँ पे भी, देखते हैं अगर करते आता है तो करूंगा। आओ खाना खाने के लिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मैं कहीं भी जाता हूँ टूर पे या फिर कहीं पे भी तो मुझे नहीं पता, मेरे पीछे एक तो डॉग्स आती है मेरे पास, कैट्स भी आती है, हालांकि कैट्स कभी आती नहीं किसी के पास में। चलिए देखो, अभी एक ये यहाँ बैठा है और एक यहाँ बैठा है, रखवाली कर रहे हैं मेरी। हालांकि खुद मेरे पास मेरे घर पे 4 कैट्स है, मुझे एनिमल्स पसंद भी है। मैं लोहगढ़ फोर्ट के फ्रंट गेट पे हूँ, यहाँ से ट्रेकिंग शुरू होती है, तो अभी खाना हो गया तो थोड़ा चाय पी लेता हूँ, क्योंकि एनर्जी चाहिए और थोड़ी सी। आ जाओ चाय पीने। ये है लोहगढ़ फोर्ट का एंट्री गेट। हाय हाय हाय, टिकट निकाली है, ये एसआई की टिकट है, 25 रुपीज। कैमरा फी उन्होंने नहीं ली। यहाँ पे कुल मिला के 300 से 350 सीढ़ियाँ है। यार बिना सीढ़ी सिर्फ रैम्प भी बनाए रहते तो अच्छा रहता था। हालत खराब है, पर इतना चढ़ने के बाद में मेरे पीछे व्यू देखो, क्या बात। और यहाँ से ना फोर्ट का कुछ पार्ट भी दिखता है। देखो ये व्यू देख के ना पूरी की पूरी थकान मिट गई। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे बंदर भी हैं, तकलीफ देते हो एक्चुअली, खाने के लिए मांगते हैं, संभाल के रहना चाहिए। ये व्यू देख के जितनी चढ़ाई की मैंने, पता नहीं कितनी सीढ़ियाँ चढ़ा, वाट लगने वाली वाट देख के मूड फ्रेश हो गया। हाँ, मज़ा आ गया थोड़ा। व्यू देखो, व्यू क्या बात है, क्या बात है। वहाँ क्लाउड्स देखो कितने सुंदर आए हैं। ए बैग में दिखा इसने, अरे हाँ जबरदस्ती। ये फोर्ट का फर्स्ट गेट है, इसे गणेश दरवाजा कहा जाता है। यह है फर्स्ट गेट का ऊपर का पार्ट, यहाँ से ही रास्ता आता है, यहाँ तोप रखी हुई है और यहाँ से बहुत सुंदर व्यू दिखता है। अब मैं आपको दिखा इसके पहले शॉट में, अभी हमको जाना है और ऊपर। हाय हाय,
भैया बहुत स्ट्रगल करके ब्लॉगिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे चैनल है भैया। बंदरों से बचते बचते बचे हैं भैया, ट्राइपॉड का बंदर कैमरा ले रहे तो कैमरा तो भैया अपना पर्सनल चैनल बनाना चाह रहा था। अब कहां से? इंदौर। इंदौर से है। यार अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। बारिश शुरू है, थोड़ा बैठो यहाँ पे। चलो बारिश शुरू हो गई यहाँ पे। हाँ ये गीला हुआ है वो पसीना है, एक्चुअली बारिश नहीं है, बारिश कम है। ये है हनुमान दरवाजा और ये नारायण दरवाजा का बैक साइड है। ये देखो ये है यहाँ पे दरगाह, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये दरगाह है हनुमान दरवाजे के बाद में। सबसे पहले ये लगता है दरगाह और ऊपर और भी कुछ है। बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल गए फिर से मुझे यहाँ पे लोहगढ़ फोर्ट पे। अभी जाने का टाइम हो गया है, अभी बज गए हैं 4:15 बज गए। अभी एक्चुअली जाने का टाइम हो गया है। यहाँ पे बहुत सुंदर भी है, मज़ा आ गया आज। पर हाँ ट्रैक की वजह से बहुत थक जाता है इंसान, आदत नहीं है ना ट्रैकिंग की। नीचे उतरते हैं कि फोर्ट देखा जाए तो बहुत बड़ा है और वो उधर भी है, पर मेरी कैपेसिटी नहीं चढ़ने की। अभी मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा और अभी इच्छा नहीं, तो देखता हूँ मैं अभी कार लेने की तरफ जाके देखते हैं। ये दिख रहा है छोटा सा पैच, पर ये थोड़ा हार्ड है क्योंकि यहाँ पे स्लिपरी पार्ट है बहुत ज्यादा और वहाँ पे सीढ़ियाँ वगैरह कुछ नहीं है, तो यहाँ से उतरना थोड़ा सा क्रिटिकल काम है। तो अभी मैं उतर गया हूँ फोर्ट के नीचे, कुछ खाने का मूड हो रहा है, देखते खाता कुछ। तो मुझे एक कैट को देख के ना मेरे जिंजर की याद आ गई, जो मेरे पास जो कैट है ना 4 उसमें से एक जिंजर। आ जाओ वड़ा पाव खाने के लिए। फोर्ट के गेट के बाहर ही हो, देखो ये गेट है। आ जाओ चाय पीने। तो चाय में मैंने बहुत कम कर दिया वैसे, पर आज मैं बहुत थक गया हूँ तो थकावट दूर करने के लिए एक चाय तो लगती है बस। तो दोस्तों मैं अभी आया था कारला केओज, पर प्रॉब्लम हुआ कि 5 बजे केओज बंद हो जाती है, बट चलो कोई बात नहीं, इस बार बंद हो गई है अभी, इस बार नहीं मेरी, नेक्स्ट टाइम स्पेशल प्लान करेंगे इस केओज के लिए। चलो चलते हैं घर पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।